आज अधिवक्ता संघ का चुनाव है। बड़ी संख्या में वकील जो आज हैं वोट डालने आए हैं, आप देख सकते हैं पूरे भारी संख्या में जो आज वकील जो है वोटिंग डालने आए। वहीं महिला भी इस बार चुनाव में खड़ी हुई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हम महिला वोट से ही जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप आगे काम करेंगे अगर वो जीतती हैं तो। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम श्रीमती स्मिता पांडे है और हमारे अधिवक्ता संघ के 150 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रही है। समस्याएं तो सर बहुत है, लेकिन मैं सबसे जो करना चाहूँगी अधिवक्ता संघ के लिए, क्योंकि अभी COVID-19 में हमने बहुत सारे अपने अधिवक्ता साथियों को खोया है, तो मैं चाहूँगी कि पहले हमारे अधिवक्ताओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए जीवन बीमा किया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य और उनके परिवार की सुरक्षा हो पाए। और ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों से हम टाई अप करेंगे ताकि उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की सुविधा मिल पाए। और बाकी समस्याएं सर हमारे यहाँ पार्किंग की भी है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक नया पार्किंग बनने के कारण यहाँ बाकी लोग वहाँ पर गाड़ी न रख के यहीं पर रखते हैं, जिसके कारण हमारे अधिवक्ताओं को रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। उसके बाद पीने के पानी की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, साथ ही अधिवक्ताओं के बैठने की भी बहुत सारी व्यवस्था करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो नए अधिवक्ता साथी हमारे जो जूनियर आए हैं उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला है। तो ऐसे अधिवक्ता साथियों के लिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कक्ष होना चाहिए जो पहले था, अभी वर्तमान में नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि महिला अधिवक्ताओं के लिए भी ऐसा एक कक्ष हो ताकि वो कुछ समय अपना वहाँ पर बिता सकें और वहाँ पर थोड़ा सा आराम कर सकें। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं राजन सिंह, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और आगे क्या ऐसा कार्य रहेगा आपका अगर चुनाव जीतते हैं तो? मैं सत्येंद्र सिंह ठाकुर अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मैंने ऑलरेडी पहले एक बार सचिव और एक बार अध्यक्ष के रूप में यहां कार्य किया है और मेरे कार्यकाल के दरमियान मैंने यहां पर दोनों बार शिफ्टिंग का काम किया है। अभी इस हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं लगभग उनकी संख्या 1100 से 1200 लोग हैं और हर साल 100 से 150 जूनियर अधिवक्ता आते हैं। उनको प्रैक्टिस करने के समय कम से कम पाँच साल उनको बहुत कमी होती है आर्थिक रूप से, कई लोग वापस चल देते हैं। तो ऐसे जूनियर अधिवक्ता को आर्थिक सहायता प्राप्त हो इनके लिए कार्य करूंगा। साथ ही कुछ साथी अधिवक्ता हैं जो बैठने के लिए उनको अभी भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, उनके लिए भी बैठने का व्यवस्था करूंगा। कल्याण योजना के माध्यम से सारे अधिवक्ता साथी हैं उनका बीमा, जो अभी कोविड काल से गुजरे हैं उनका बीमा, स्वास्थ्य बीमा का प्रयास करेंगे। आर्थिक सहायता के लिए शासन से हमारे यहाँ स्टाम्प वेंडर्स हैं, उनको स्टाम्प की कमी होती है आम पब्लिक को, तो उनको स्टाम्प इजी रूप से उपलब्ध हो सके इनके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हर अधिवक्ता के इसमें मोबाइल में ई स्टाम्प उपलब्ध हो। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मेरे इसमें जेहन में है, मैं करना चाहूंगा अगर मुझे यहाँ के मतदाता अपना ये मानते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं तो। आप भी उपाध्यक्ष पद के लिए, आप उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं, आखिर इतने साल से आप वकालत भी कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं वकीलों को होती हैं यहाँ पे और किस प्रकार से आप उनका अगर जीतते हैं तो किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निराकरण करें? मैं 1988 से यहाँ पे नियमित रूप से वकालत कर रहा हूँ और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और जो बॉडी मुझे मिलेगी उसमें मेरा सर्वप्रथम काम ये रहेगा कि हमारे यहाँ जितने भी न्यायालय हैं, जैसे रेवेन्यू में एडिशनल कमिश्नर की कोर्ट जो है लगभग 1.5 साल से खाली है, शासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ रायपुर संभाग होने के कारण दूसरे ज़िले से भी वकील लोग आते हैं, उन लोगों को पेशियों में बहुत तकलीफ होती है। तो सबसे पहली मांग मैं ऐसी करूँगा कि राजधानी होने के कारण शासन का ध्यान सबसे पहले ये रहना चाहिए कि कोई भी कोर्ट खाली न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए, क्योंकि जब पोस्ट है तो अधिकारी तो होंगे ही। अगर मान लो वहाँ अधिकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि ध्यान नहीं गया है और वो कोर्ट खाली है, तो कोर्ट खाली रखने पे दो अधिकार, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप लोग अपने अधिकारियों को पदस्थ नहीं कर सकते तो पद को ख़त्म कर दीजिए। तो मेरा सबसे पहले प्रयास ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी में कि कोई भी पद, चाहे रेवेन्यू अधिकारी का हो चाहे जुडिशियरी परिषद का, खाली ना रहे, इसकी मांग मैं पहले करूँगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं जो हर साल आते हैं और अभी जो अधिवक्ता आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, विवेकशील आ रहे हैं, मेहनती आ रहे हैं, तो इन लोगों की जो समस्या रहती है इसको मिल बैठ करके शासन की योजनाओं के अनुसार उसका निपटारा करेंगे। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ, हमने महिलाओं अध्यक्ष से भी बात की और पुरुष अध्यक्ष से भी बात की, सचिव उपाध्यक्ष जैसे कुछ वकीलों से भी बात की जो उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि आज अधिवक्ता संघ का चुनाव है और तरह तरह के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों वकीलों की समस्या को लेकर खड़े हुए और कहा सभी वादे पूरे करने की जो बात करें। अब ये देखना होगा कि चुनाव पूर्ण होने के बाद जब कोई पदाधिकारी जीत के आता तो किस प्रकार से जो है इनकी मांगों को पूरा करता है। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।